मंदिर के बाहर एक बार आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, जिनको पुलिस बहुत समझाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग हैं क्योंकि जो मंदिर के बाहर का अवैध निर्माण है उसको भी हटाया जाएगा, जिसको रोकने के लिए यहाँ पुलिस बल जो है वो उन लोगों को समझाने के लिए पहुँचा है। उनसे बात करते हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सबकी बराबर आजादी है यहाँ पर। नहीं सर, मंदिर अब हम भी चला लीजिए सर, आप प्लीज सर मंदिर में मत चलाइए, प्लीज प्लीज आप मंदिर में मत चलाइए, मंदिर में प्लीज मत चलाइए। अब मंदिर पुलिस पर चला जाए। मंदिर के बाहर भी कार्रवाई शुरू होने वाली है जेसीबी की, और इसी वजह से यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, जिन्होंने रोकने की कोशिश की कि यहाँ पर जो मंदिर के बाहर अवैध निर्माण उसको ना तोड़ जाए। लोग यहाँ विरोध करने के लिए पहुँचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर पीछे कर दिया है। और अभी आप देखिए जो मंदिर का जो स्टार्टिंग का चैनल है, जो गेट है उसको खुलवाया जा रहा है, पुजारी जी से बात जो है वो करवा, देखिए जो पुजारी जी हैं उनको समझाने की और उनसे बात करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। आप देखिए जरा कि जो अंदर जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये मंदिर के बाहर आप देखिए, मंदिर के बाहर इस तरह से जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया है, और उन्होंने घेराबंदी इस इलाके की कर दी है, इस पूरे मंदिर का जो एरिया है इसको रोक, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे, वो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से यहाँ पर निर्माण जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा, उसको किसी तरह से रोक सके वो लोग, इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर यहाँ से फिलहाल दूर कर दिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्य आईबीपी न्यूज दिल्ली। वहाँ पर समझाइश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आप हमारे काम में बाधा मत डालिए, बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इंद्रजीत भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इंद्रजीत, आप जहाँ मौजूद है वहाँ से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ? नहीं तो प्रशासन हमें नहीं चाहिए। देखिए हंगामे जैसी सिचुएशन फिलहाल मौजूद है, लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं और पुलिस लगातार हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हालात किसी तरह काबू करने की कोशिश कर रही है। पुलिस बल यहाँ पर फिलहाल पहुँचा हुआ है, चारों तरफ के गेट बंद कर दिए गए हैं, और अब फिलहाल यहाँ हालात मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में आए हैं, वरना कुछ देर पहले लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए थे, और चारों तरफ से पहला मिलिट्री और पुलिस के जवान आ गए और फिलहाल हालात को काबू में कर लिया। जी तो मौके से इंद्रजीत राय की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।